साथियों, आज पूरे देश में जिस बात की चर्चा है, लोग कुछ भी कहें, हम विधायक जी तो कह ही सकते हैं, लगातार ये मेले रहे, दुनिया कुछ भी कहे, हम जनता का मसीहा तो कह ही सकते हैं, दुनिया कुछ भी सोचे, हम राजनीति का एक ईमानदार और कुशल व्यक्तित्व भी तो कह ही सकते हैं। आज कैसे क्या हुआ है आपको सारी जानकारी है। हम सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं श्रद्धेय जनाब मुख्तार अंसारी साहब को, ऊपर वाला उन्हें जन्नत में जगह दे। लेकिन एक कलाकार और एक गायक के दिल की आवाज है आम जनमानस के तरफ से, क्या नाम जहां में ऊपर वाला आबाद रखेगा, मुख्तार साहब का नाम जहां में ऊपर वाला आबाद रखेगा, मुख्तार साहब जमाना सदा याद रखेगा, मुख्तार साहब पे। जिम्मेदार आदमी जो भी होगा, पॉलिटिकल होगा, सामाजिक होगा, किसी भी क्षेत्र का होगा, जो उस व्यक्तित्व को जानता होगा वो दुखी है, आंखें नम है। मैं गाते हुए कैसे बोल रहा हूं इसको मैं समझ पा रहा हूं। कुछ लोग अंगुलियां उठाते हैं, मुख्तार अंसारी साहब का बैकग्राउंड क्या रहा, 1947 के लड़ाई के दौरान शहादत के उपरांत महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाती का नाम मुख्तार अंसारी है। ऐसे मुख्तार अंसारी को असमय हमारे बीच से चला जाना खल रहा है, असमय। हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम इस पे और कुछ नहीं कह रहे हैं। मुख्तार अंसारी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार ने कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में अपना कार्यालय बनाने के लिए अपनी कोठी दे दिया। मुख्तार अंसारी उस परिवार से आते हैं जिस परिवार के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 1926 से 27 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, जिनके नाम से गाजीपुर का जिला अस्पताल है। उस परिवार की दूसरी तीसरी पीढ़ी मुख्तार अंसारी साहब जानते हैं आप। ये लाइन पढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा, क्या 5 बार एमएलए थे और पूर्वांचल के था, 5 बार एमएलए थे और पूर्वांचल के थाती
ब्रिगेडियर उस्मान साहब के थे मुख्तार जिनाती, ब्रिगेडियर उस्मान साहब के पांच बार एमएलए थे और पूर्वांचल के थाती, ब्रिगेडियर उस्मान साहब के थे मुख्तार जिनाती। और लिखने वालों, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और सोशल मीडिया पे जितना ज्ञान बांटना है बांट लो, तुम्हारे ज्ञान से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जानते हो ये प्रकृति का नियम है, नियम है प्रकृति का। चिट्ठी भी कुछ सोशल मीडिया पे पढ़ने और सुनने को मिल रही है चार दिन पहले की। मैं कहीं से इसको दूसरा रंग देना ही नहीं चाहता, मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, लेकिन बात जो कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनना, सुनने वाले लोगों। क्या है प्रकृति का नियम जग में आने के बाद जाना, है प्रकृति का नियम जग में आने के बाद जाना, है सौभाग्य नहीं रहने पर करे सलाम जमाना, है सौभाग्य नहीं कि जो आया है वो जाएगा, यही कटु सत्य है। लेकिन सौभाग्य नहीं, सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जिसके नहीं रहने पर भी लोग उसके कृतियों को सलाम करें, उसे सैल्यूट करें, उसे याद करें सम्मान के साथ। याद कई तरह से किया जाता है, एक सम्मान के साथ याद किया जाता है। लाइन सुनिएगा, क्या है प्रकृति का नियम जग में आने के बाद जाना, है सौभाग्य नहीं रहने पर करे सलाम जमाना, करे सलाम जमाना। है प्रकृति का नियम जग में आने के बाद जाना, है सौभाग्य नहीं रहने सलाम जमाना, आप कितने नियत जग में आबाद रखेगा। ईमानदारी आप कितने नियत जग में आबाद रखेगा। मुख्तार साहब, मुख्तार साहब आपको जमाना सदा याद रखेगा, मुख्तार साहब याद रखेगा। राजनीति में आपकी विचारधारा उनसे अलग हो सकती है, हो सकता है कोई निजी विषयों पर आपकी उनसे राय अलग हो सकती है मुख्तार अंसारी साहब से, हो सकता है आप पॉलिटिकल आदमी हो और उनके परिवार के राजनीति में, आपके परिवार के राजनीति में आपके हिसाब से कुछ अंतर हो सकता है। लेकिन जो भी लोग
दृष्टिकोण बदलना है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप चले जाओ जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे मुख्तार अंसारी साहब, लगातार विधायक रहे, उनके परिवार के लोग भी विधायक हैं, सांसद रहे, आप चले जाओ उस क्षेत्र में और अंतिम पायदान के व्यक्ति के दरवाजे पर बैठ जाओ और मुख्तार अंसारी के बारे में चर्चा कर दो। देखो, गारंटी के साथ कहता हूं कि झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति के दिल से दुआ ही निकलेगी मुख्तार अंसारी साहब के लिए, दुआ निकलेगी। बड़ी बात कह रहा हूं। और आप, फिर मैं कह रहा हूं, ये सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो कह रहे हैं, सुनो, क्या जानते हो तुम, ये लाइन तो सुनो आप, क्या जिसके घर में रहे बैरिस्टर, बैरिस्टर मतलब समझते हैं, बैरिस्टर की डिग्री इंडिया में नहीं मिलती है, विदेशों से जो वकालत पढ़ के आता है, और विदेशों में केवल एक जगह, लंदन में ही बैरिस्टर की डिग्री मिलती है, लंदन में, जिस परिवार में बैरिस्टर रहा है। इतना ही नहीं, शायद आपको हमसे ज्यादा जानकारी हो, लेकिन मैं बता रहा हूं, क्या जिसके घर में रहे बैरिस्टर, उपराष्ट्रपति से नाता, किसी परिवार का व्यक्ति भारत के सर्वोच्च पद पे, भारत के सर्वोच्च पद पे राष्ट्रपति के बाद जब उपराष्ट्रपति चुनने की बात आई, तो ये हिंदुस्तान, ये भारत ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोगों ने सहमति जताकर इसी मुख्तार अंसारी के परिवार के श्रद्धेय डॉक्टर हामिद अंसारी साहब को भारत का उपराष्ट्रपति बनाने का समर्थन किया था और बने थे। जानते हैं आप, जिसके घर में रहे बैरिस्टर, जिसके घर में रहे बैरिस्टर, उपराष्ट्रपति से नाता, दीन दुखी और मऊ के जनता के थे भाग्य विधाता, मऊ के जनता के थे भाग्य विधाता। अरे जिसके घर में रहे बैरिस्टर, उपराष्ट्रपति से नाता, दीन दुखी और मऊ के जनता के थे भाग्य विधाता।